डॉक्टर लक्ष्मी देसाई। ये एक स्मॉल वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने भी मेरा डाइट प्लान ले रखा है, तो उन लोगों के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर मुझे कुछ उनको गाइड करना है, तो इसलिए मैं ये एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ फॉर डूज एंड डोंट्स। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट इज़ मस्ट। आपको सुबह टाइम से उठना है और टाइम से ही अपने सारे के सारे जो मील्स हैं उनको लेना है। कोई भी मील आपको स्किप नहीं करना है, किसी भी मील में बहुत ज़्यादा गैप नहीं डालना है, और प्रॉपर टाइम पर आपको सुबह खाना खाना है या लंच खाना है। अगर आप डेली दिन में 2 बजे लंच कर रहे हो तो कोशिश करिए कि डेली 2 बजे के आसपास ही आपको अपना जो लंच है वो कर लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मंडे को 2 बजे लंच कर रहे हो और ट्यूसडे को आप 4 बजे लंच कर रहे हो, इस तरीके से नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट। तो एक तो ये पॉइंट हुआ, और सुबह आपको टाइम से उठना है, रात को टाइम से सोना है। उठने से मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर आपको सुबह 6 बजे ही उठना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगर आप सुबह 8 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो, जैसा भी आपका शेड्यूल है, जैसा भी आपका जॉब का टाइमिंग है और आपका जो शेड्यूल है, आप उसके अकॉर्डिंगली ही उठिए। अगर आप सुबह 9 बजे भी उठते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सुबह 9 बजे उठकर भी अपना जो डाइट है वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर आप 9 बजे उठ रहे हैं तो 9 बजे ही उठना है। ये नहीं है कि कभी 9 बजे उठ रहे हैं, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे उठ रहे हैं, कोई ब्रेकफास्ट का टाइम ही नहीं है, इस तरीके से नहीं करना है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट अपना ज़रूर करना है, हर चीज़ का फिक्स एक टाइम ज़रूर बनाना है। किसी भी वेट लॉस बैच में जो डिसिप्लिन है और जो पंक्चुअलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट पॉइंट। और उसके बाद ही आपको सबसे पहले सुबह उठते ही मॉर्निंग ड्रिंक जो भी मैंने आप लोगों को बताई है वो लेनी है, रैदर देन टेकिंग टी और कॉफ़ी। कुछ लोगों को बेड टी या बेड कॉफ़ी की हैबिट होती है, वो आपको इसमें छोड़ना पड़ेगा। उसकी जगह आप ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी वो ले सकते हैं। मतलब मॉर्निंग ड्रिंक जो भी मैंने आप लोगों को पर्सनली, मैंने जिस जिसको जो भी रिकमेंड की है वो वैसे ही उनको लेना है। उसके बाद मैंने पहले ही बताया कि आपको अपना ब्रेकफास्ट का टाइम प्रॉपर रखना है। उसके बाद लंच से पहले जो थोड़ा सा मैं स्नैकिंग के लिए बोल रही हूँ वो आपको प्रॉपर लेना है। पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोला कि आपको दोपहर में खीरा खाना है तो आप 2 खीरे खा जाओ काट के, या 3 खीरे खा जाओ। अगर खीरा खाना है तो एक नॉर्मल छोटे साइज का जो खीरा है वही आपको खाना है। या अगर मैंने बोला है कि आपको 1 गिलास छाछ पीनी है तो आपको 1 गिलास छाछ या लस्सी ही पीनी है। ऐसा नहीं है कि आप 4-5 गिलास इकट्ठे पी जाओ, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है, इसमें आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस लेवल आपका बिल्कुल जीरो होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी आपको टेक्निक्स बताई हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स मैंने बताई हैं। आप अनुलोम विलोम करेंगे, आप थोड़ा सा योगासन के जो स्ट्रेचेज होते हैं आप वो करेंगे अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सा मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग करेंगे। अनुलोम विलोम तो मैंने मस्ट बोला ही है कि आपको वो जरूर करना है। अनुलोम विलोम चाहे आप सुबह भी कर लीजिए, शाम को भी कर लीजिए, दोनों टाइम भी कर लीजिए, इट्स अप टू यू, लेकिन ये आपको जरूर करना है। इसके अलावा ब्रिस्क वॉकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी टॉनिंग करने के लिए। बजाय कि आप एक्सरसाइज करो या आप हैवी वेट लिफ्टिंग करो, बॉडी बिल्डिंग करो, उससे अच्छा है कि आप पहले, सबसे पहले ब्रिस्क वॉकिंग करो। बहुत अच्छा वार्म अप एक्सरसाइज भी है, और वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग इज अ कंप्लीट एक्सरसाइज। तो आप के पास अगर ऑप्शन है कि आप लॉकडाउन में बाहर जाकर, या अपनी अगर आपके पास ऐसा कोई बड़ा सा पार्क अवेलेबल है अपने नियर बाय एरिया में, तो वहां पर आप जाकर सबसे पहले यही कोशिश करिए कि आप ब्रिस्क वॉकिंग करें। वो आप कभी भी कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग करो, लेट नाइट करो, इवनिंग में करो, व्हेन एवर यू हैव द टाइम आपको ब्रिस्क वॉकिंग जो है वो जरूर करनी है। अगर ब्रिस्क वॉकिंग आपके घर में पॉसिबल नहीं है करना, फिर यू कैन गो फॉर अनदर एक्सरसाइजेस। उन एक्सरसाइजेस का जो वीडियो है वो भी मैं आप लोगों के पास शेयर कर दूंगी। और जो एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं, जिन जिनको भी मैंने डाइट प्लान मैं दे चुकी हूँ और बाकी जो रह गए हैं उनका मैं बना रही हूँ, ठीक है, मैं सबका पर्सनल डाइट प्लान, सबकी पर्सनल नीड्स के अकॉर्डिंगली, कौन बंदा कितने एज का है, किसका क्या हाइट है, BMR कितना है, किसको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, उस हिसाब से सबका डाइट प्लान पर्सनली बना रही हूँ। इस वजह से थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसको फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं।
तो इसमें जो मैं आपसे मांग रही हूँ वो सिर्फ इतना सा आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जब से भी डाइट फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपको पूरा डेडिकेटेड वे में और बहुत अपने 100% एफर्ट्स हार्डवर्क अपना आपको इसमें लगाना है। मुझे आपकी 100% एफर्ट्स चाहिए इस डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए। प्लस आप जब से भी डाइट प्लान फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, जैसे आज है फ्राइडे, तो अगर आप संडे से भी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप मंडे से भी स्टार्ट कर रहे हैं, जब से भी आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो आपको मुझे बताना है कि आप डाइट प्लान स्टार्ट कर चुके हो और आपको डेली अपना अपडेट जो है वो भेजना है। आपको डेली के अपने जो पिक्स हैं खाने का, मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में, डिनर में क्या खाया, उन सबकी आपको फोटो क्लिक करके मुझे भेजनी है मेरे पर्सनल नंबर पर। अगर बाय चांस फोटो क्लिक करना भूल जाते हो तो रिटर्न में मुझे अपडेट करके बताना है कि मैम हमने ये चीज़ खाई है, ये चीज़ खाई है, और ये चीज़ मुझे डेली का डेली चाहिए, डेली मुझे अपडेट चाहिए ही चाहिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, कोई रेसिपी बनाने में प्रॉब्लम है, मुझे वॉइस मैसेज कर दीजिए, मैं वॉइस मैसेजेस का आपको रिप्लाई कर दूंगी। अगर हो सकता है मैं ओपीडी में बिजी हूँ, मैं फ़ोन कॉल्स ना भी अटेंड कर पाऊँ, तो मैं आपके वॉइस मैसेजेस के रिप्लाई ज़रूर कर दूंगी। और जब से भी आप डाइट फॉलो करें उससे पहले पूरे वीक का जो डाइट है अपना वो प्लान करके रखो कि आपको इस दिन क्या खाना है या इस दिन आपको क्या बनाना है। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो वॉइस मैसेज से आप मुझे पहले ही पूछ लीजिए। मुझे इस पूरे प्लान में आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है आपकी डेडिकेशन और आपका डेली का अपडेट, ताकि मैं आपको डेली पर्सनली वॉच कर सकूं कि आप लोग क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, आप कहीं ज़्यादा तो नहीं खा रहे या आप कहीं कम तो नहीं खा रहे। मुझे बस आपसे सिर्फ यही एक चीज़ चाहिए, बाकी सब चीज़ यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, मैं आप लोगों का बाकी सब चीज़ सेट कर दूंगी, कैसे खाना है, कितना खाना है और कितना वेट लॉस होना चाहिए। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हो सकता है हफ्ते में या 15 दिन में आपको कुछ भी फर्क ना नजर आए, मे बी आपको कुछ भी फर्क ना नजर आए, कोई इंच लॉस ना हो, कोई फैट लॉस ना हो, हो सकता है मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने लग जाए, आपको चिड़चिड़ापन, इरिटेशन बहुत ज्यादा होने लग जाए, तो दिस इज ऑल नॉर्मल। इससे बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जब भी हम कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं, बॉडी को उसको एडजस्ट करने में, उसको अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वही चीज आपके साथ हो रही है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट कीप ऑन वॉकिंग, आपको अपना जो ये वेट लॉस जर्नी है इसको कंटिन्यू करना है। और एक बात और याद रखिएगा, जिसने भी मुझसे 1 महीने का प्लान लिया है, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि 1 महीने में कोई चमत्कार हो जाएगा, रिजल्ट्स आपको नो डाउट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, बट जितना साल आपको पतले से मोटा होने में लगा है ना, उतना ही टाइम आपको मोटे से पतला होने में लगेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ज़रूर। अच्छा, उसके बाद अगर किसी को कोई भी डिजीज़ है, थायराइड है, पीसीओडी है, शुगर की प्रॉब्लम है, या बीपी हाई हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, या माइग्रेन अटैक्स आते हैं, कुछ भी है, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझसे ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करना और मुझे बताना है। अगर आपकी कोई भी पहले से मेडिसिन चल रही है, वो सब चीज़ें मुझे डिटेल में आपको बतानी है और ज़रूर बतानी है। अच्छा, तो सेकंड थिंग इज़ जो मुझे इस प्लान में आपसे चाहिए, फर्स्ट थिंग मुझे चाहिए आपके 100% एफर्ट, सेकंड थिंग जो मुझे चाहिए वो चाहिए कि आपको एक्स्ट्रा मंचिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। अगर मैंने बोला है कि आपको 6 बार खाना खाना है, अगर आपको 6 बार खाना खाने के लिए मुंह खोलना है, तो सिर्फ 6 बार ही खाना खाने के लिए मुंह खुलना चाहिए, उसके अलावा आपको अपना मुंह खाना खाने के लिए बिल्कुल नहीं खोलना, ठीक है। मतलब आपको मंचिंग नहीं करनी, जैसे कुछ लोगों की हैबिट होती है, कुछ लेडीज़ की हैबिट होती है, किचन में गए, चलो एक स्लाइस इसका खा लिया, इस कमरे से उस कमरे में गए, अरे ये कुकी रखी है, एक स्लाइस इस कुकी की खा ली, तो इस तरीके से आपको मंचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप मंचिंग करेंगे, सारा का सारा वेट लॉस जो है बेकार हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि मंचिंग करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट होने लग जाता है। जस्ट वेट अ मिनट, कोई पेशेंट है, मैं दोबारा से वीडियो बताती हूँ आपको।